हेलो एवरीवन गुड इवनिंग कैसे हैं आप सभी लोग सभी लोगों का स्वागत हो गया अन अकादमी लिंकिंग लॉस के यूट्यूब चैनल पे आ जाइए जल्दी जल्दी से और आज आप देख रहे हैं पार्ट थ्री होने वाला है बहुत ही खास और बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही शानदार न्यूज़ आपके लिए लेकर आई हूँ जो कि आपके एग्जाम में बन सकते हैं करंट अफेयर के क्वेश्चन ठीक है तो सभी लोग जल्दी जल्दी से एक बार ज्वाइन कर लीजिए और यहाँ पे प्रेजेंट लगा दीजिए फटाफट से कौन कौन आ चुका है यहाँ पे जल्दी से एक बार बता देंगे और सारे ही स्टेट्स के हैं ये आप लोग पूछते हैं ना कि आ, मैम ये झारखंड के लिए है क्या बिहार के लिए है क्या यूपी के लिए है क्या तो ये जो है आपका हर एक स्टेट के लिए एक इम्पॉटेंट आपका सेशन रहने वाला है ठीक है क्योंकि हम लिंकिंग अफेयर्स को डील कर रहे हैं यहाँ पे और एम देख रहे हैं टॉप एम और जिसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से न्यूज़ रही है फैब में इतने इम्पोर्टेंट जो कि आपके एग्ज़ाम में बन सकते हैं जहाँ से क्वेश्चंस। हेलो आनंद जी आनंद पासवान जी वेलकम हो गया आपका गुड इवनिंग एक बार फटाफट से कॉमेंट सेक्शन में आप लोग अपना अपना प्रेजेंट लगा दो कि हाँ आप लोग आ चुके हो और एकदम बढ़िया तरीके से तैयार हो इस सेशन को सॉल्व करने के लिए क्योंकि एमसीक्यूज लेकर आई हूँ मैं आपके लिए वही पैटर्न है आपको बताने यहाँ पर आंसवर्स और देखेंगे क्या कुछ खास है क्या आपने इनमें से कुछ न्यूज़ को पढ़ा है या एकदम नई है आपके लिए कुछ यहाँ पर जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं ठीक है थीके? तो अपने लेवल पे अपने हिसाब से आप लोग यहाँ पे पूरा उसको डील करेंगे ओके तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन और देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा <coughs> पेन थोड़ा चेंज कर लेते हैं ना फर्स्ट क्वेश्चन आपका है यहां से इस पेन को भी हटा लेती हूं मैं यहाँ ले आती हूँ अब ठीक है ना अब क्लियर आपको नजर आ रहा होगा क्वेश्चन आपको यहां पर है ना चलिए तो ब्लू टंग डिजीज़ एक नाम है डिजीज है ठीक है एक रोग है जिसका नाम क्या है ब्लू टंग डिजीज तो ये ब्लू टंग डिजीज जो है इसको न्यूज में हाल ही में देखा गया है न्यूज में इसको देखा गया है सीन इन द न्यूज ट्रांसमिटेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग हेलो मैम जी नेहा शर्मा जी हरियाणा के लिए तो मैं करवा रही हूँ आप लोगों को हरियाणा का जीके स्पेशल क्लास में चल रहा है लोकल जीके करंट अफेयर्स यहाँ पे यूट्यूब पे चल रहे हैं और जो जो जी एस वाला पोर्शन है हिस्ट्री वाला पोर्शन है वो आपकी प्लस क्लास में हो रहा है ये सारा का सारा हरियाणा को टारगेट कर रहे हैं हरियाणा के साथ साथ ही ये आप देख सकते हो ये सारे स्टेट्स के लिए फॉर ऑल इतना बड़ा का ये फॉर ऑल स्टेट्स ये होने वाला है आपका मैंने इतना इसको आ, कम कर दिया था चलो कोई ना तो ये किसके लिए है फॉर ऑल स्टेट्स जितने भी स्टेट्स हैं उनके लिए तो है ही साथ में स्पेशली जो हरियाणा का हम टारगेट करें क्योंकि हम कहते हैं कि हरियाणा के अंदर जो है करंट अफेयर्स का पार्ट सबसे ज्यादा आता है करंट अफेयर का पार्ट जो है मतलब ऐसा रहता है लेवल उसका करंट अफेयर अगर यहाँ है तो जी के थोड़ा सा कम पूछा जाता है इसलिए हमें जो है इन पर ज्यादा ध्यान देना है ठीक है नेहा जी हेलो गुड इवनिंग पल्लवी जी आ जाइए स्वागत हो गया आपका हाँ तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि ब्लू टंग डिजीज होती है जिसको हाल ही में न्यूज में देखा गया है इस ट्रांसमिटेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग ये ट्रांसमिट कैसे होती है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसमिट होती है तो ये एक ट्रांसमिशन वाली डिजीज है लेकिन किससे डिजीज ये ट्रांसमिट होती है ठीक है ब्लू टंग रोग जो हाल ही में समाचारों में देखा गया है निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रेषित होता है चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं यहाँ पर फंगाई है इंसेक्ट्स है कंटेमिनेटेड वॉटर है या प्लांट्स है अब आपको जो है इसमें से चूज करना है ठीक है तो अब आप मुझे बताएं क्वेश्चन नंबर वन का आपको आ, क्या लगता है आंसर जल्दी से अपना क्वेश्चन तो लिखेंगे आंसर सबको देना है ठीक है आई आईल वेट फॉर योर आंसर जैसे नेहा जी हो गए पल्लवी जी हो गए आनंद जी हो गए और कौन कौन है यहाँ पे मंताशा खान हेलो गुड इवनिंग आप सभी लोगों को आंसर देना है ओके फटाफट से आंसर दीजिए फटाफट से आंसर देंगे ए बी सी या डी क्या लगता है आपको और देखो जो क्वेश्चन में डिजीज लिखी है और जो भी क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है उसको बहुत ही ध्यान से पढ़ना क्योंकि ये आपका एग्जाम में बन सकता है तो आपको एकदम से क्लिक होना चाहिए कि अरे ये तो हमने पढ़ा है Got it? जी एक आंसर है पल्लवी जी का वो भी ए बोल रहे हैं नेहा जी भी ए बोल रहे हैं देखो जो ब्लू डिजीज है ना ये होती है जानवरों के अंदर ठीक है उनके मतलब जो जीभ होती है वो ब्लू कलर की हो जाती है बहुत ही ज्यादा फूल जाती है भारी हो जाती है उस तरीके की एक डिजीज है और ये ट्रांसमिट कैसे होती है एक कीड़ा होता है एक इंसेक्ट होता है तो ये किसके थ्रू ट्रांसमिट होती है इंसेक्ट्स के थ्रू तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा ठीक है याद रखिएगा अगर इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे तो यहाँ पे आपको याद रखना है किससे ये आ, फैलता है किससे ये आ, फैलती है बीमारी प्रेषित होती है तो ये इंसेक्ट से होती है गौटे चलो कोई बात नहीं फर्स्ट हमारा सही नहीं हुआ अभी तो हमारे पास में और बहुत सारे क्वेश्चन है हम उनमें सही मार्क्स लेकर आ जाएंगे है ना चलो आंसर सबको देना है ट्राई सबको करना है चाइना हैज है अ बैन ऑन द इम्पोर्ट ऑफ ह्यूमिन एंट्स एंड रिलेटेड प्रोडक्ट फ्राम इराक ड्यू टू अ ब्लू टंग डिजीज आउटब्रेक द डिजीज इज ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रीजन्स मतलब ऐसा नहीं है कि डिजीज जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पर फैली थी पूरे वर्ल्ड ग्लोबली ये जो है पूरा इसका असर देखा गया था ठीक है तो चीन ने क्या किया ब्लूटंग बीमारी के प्रकोप के कारण इराक से जुगाली करने वाले जो जानवर होते थे और उनसे संबंधित जितने भी उत्पाद होते थे उनके आयात पर उनके इंपोर्ट पर क्या कर दिया प्रतिबंध लगा दिया उनको बैन कर दिया और और ये रोग जो है विश्व स्तर पर क्षेत्रों में वितरित किया जाता है चाइना ने तो प्रोटेक्शन एक तरह से लिया कि चलो इतनी ज्यादा बीमारी फैल रही है तो हमारे देश में इसका ज्यादा असर ना पड़े उसने क्या किया इराक से जितने भी जानवर वगैरह आते थे या फिर उनसे संबंधित जो चीजें आती थी उन पर उन प्रोडक्ट्स पर बैन कर दिया हमेशा के लिए तो ये जो है काफी ज्यादा खबरों में आ गया और न्यूज बन गई और साथ ही साथ आपके करंट अफेयर का एक क्वेश्चन भी बन गया कि रीजन भी हो गया तो ये टंग डिजीज अगर आप देखोगे तो ये दो आ, उसमें पूछा जा सकता है एक तो आपका करंट का क्वेश्चन तो बना ही बना है साथ में आपके जनरल साइंस का एक क्वेश्चन भी बन गया है ठीक है एक तीर से दो निशाने चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिएगा यहां पर सी केयर्स इस वर्ड को आ, अच्छे से देखना सी केयर्स वेब पोर्टल ये क्या है एक वेब पोर्टल है आप जब जाते हो ना कोई भी वेबसाइट खोलते हो तो एक पोर्टल नजर आता है एक फ्रंट पेज आता है जैसे किसी भी गवर्नमेंट के पोर्टल खोलते हो बहुत सारे ऐसे पोर्टल होते प्राइवेट पोर्टल्स भी होते हैं तो इसी तरह से क्या है एक वेब पोर्टल है जिसको रिसेंटली न्यूज में देखा गया है इज एसोसिएटेड विद विद सेक्टर ये किस सेक्टर से जुड़ा हुआ है ये आपको बताना है ठीक है तो सी केयर जो है वेब पोर्टल है जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया ये किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है देखो चार यहाँ पर आपको दे रखे हैं ठीक है एक तो है पेट्रोलियम सेक्टर पहला कौन सा है पेट्रोलियम सेक्टर दूसरा है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर तीसरा है कोल सेक्टर और चौथा तो है एग्रीकल्चर सेक्टर सी केयर्स अच्छा थोड़ा सा अगर आप सोचते हो कि चलो ये क्वेश्चन हमें नहीं भी आता है तो एक होता है ना कि अंदर का मन आपका कहता है कि मुझे ऐसा लगता है मेरा मन बोल रहा है कि ये हो, हो सकता है तो आप एक अगर गैस करोगे तो कौन सा करोगे और अगर आपको आता है तो आप बताएं सेकंड का यहाँ पर ए बी सी डी में से क्या चूज करना चाहते हो आप जल्दी से एक बार मुझे बताएंगे हाँ जी पल्लवी जी आनंद जी मंताशा जी जल्दी से बताओ क्या लगता है आपको यहाँ पर क्या आंसर सही हो जाएगा सी केयर्स एक वेब पोर्टल है ठीक है जो न्यूज़ में देखा गया क्यों ये न्यूज में आया वो भी हम देखेंगे ठीक है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे लेकिन उससे पहले हम देखेंगे यहाँ पर कि ये जो पोर्टल है ये किस फील्ड से जुड़ा हुआ है ना अच्छा नेहा जी कह रही है बी भी बी हो सकता है सी मंताशा जी बोल रहे हैं ओके भवानी जी डी ठीक है तो जिस किसी ने भी इसका आंसर जो है सी दिया है कोल सेक्टर ठीक है कोल सेक्टर इसको आप कैसे याद रख सकते हो क्योंकि यहां पे देखो ये लिखा है ना सी सी फॉर कोल ठीक है तो सी केयर्स कोल सेक्टर से जुड़ा हुआ है कोयला जो कोयले के जो सेक्टर है उससे जुड़ा हुआ है सी केयर्स एक वेब पोर्टल है ठीक है ये करता क्या है क्या हुआ था वो देख लेते हैं अभी हाल ही में यूनियन मिनिस्टर जो है श्री प्रहलाद जोशी श्री प्रहलाद जो देखो यहाँ पे आपको एक इंफॉर्मेशन के साथ में एक से दो दो से तीन इंफॉर्मेशन भी साथ में मिलती जाएंगे तो देखोगे आप यहां पर जो यूनियन मिनिस्टर हैं आपके श्री प्रहलाद जोशी हैं उन्होंने ये सी केयर वेब पोर्टल को लॉन्च किया है किस लिए कोल माइन्स प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ठीक है किस लिए देखो एक सी एम पी एफ ओ ये आपके अगर आए फुल फॉर्म्स पूछे गए तो आपको याद रखना होगा सी एम पी एफ ओ क्या है कोल माइंस प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन हाँ जी ये ये पे सही हो गया आंसर हाँ खुशी मनाइए <laughs> तो अब देखो आप सब लोग ट्राई करना देखना कोई ना कोई जबरदस्ती मतलब एक होता है ना कि हम लोग सोचते हैं नहीं हमको नहीं आता हम नहीं करते करके देखो अच्छा लगेगा गलत ही तो होगा ज्यादा से ज्यादा क्या होगा लेकिन सही भी तो हो सकता है तो सही हो गया और अब आपको ना ये हमेशा याद भी रहने वाला है ये मैं गारंटी देती हूँ आपको चलिए <laughs>

कोल माइंस प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन सीएमपीएफओ ठीक है हाल ही में केंद्रीय मंत्री हैं श्री प्रहलाद जोशी इन्होंने कोयला खान भविष्य निधि संगठन के लिए सी केयर्स वेब पोर्टल लॉन्च किया है अच्छा अब ये किसने डेवलप किया है एक सवाल ये भी आ सकता है कि जो वेब पोर्टल है ना किसी ने किसी संस्था ने तो बनाया होगा किसी ने किसी ने तो बनाया होगा ये बनाया आपके सी डेक ने सी डेक ने इट एम्स टू डिजिटाइज रिकॉर्ड स्ट्रीम लाइन प्रोसेस प्रोविडेंट फंड सब्सक्राइबर्स एंड सिक्स पॉइंट वन लैख पेंशनर्स इन द कोल सेक्टर सी डेक द्वारा विकसित इसका उद्देश्य कोयला क्षेत्र में तीन पॉइंट तीन लाख भविष्य निधि ग्राहकों और छ पॉइंट एक लाख पेंशन भोगियों के लिए रिकॉर्ड को डिजिटलाइज करना और प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना है सीधी सी बात है कोयला के फील्ड में जितने भी लोग हैं जिनको पेंशन मिल रही है या जिनको पीएफ में पीएफ उनका कट रहा है इन सभी का एक पूरा डेटा उस वेब पोर्टल पर ऑर्गेनाइज्ड मैनर में क्या किया गया है पुट अप किया गया है ताकि कोई भी डिटेल जो है वो मिस ना हो और इजीली डिजिटलाइजेशन किया जा सके तो जैसा कि हमें पता है धीरे धीरे भारत जो है हर सेक्टर में डिजिटलाइजेशन का यूज़ कर रहा है इवन ई कोर्ट्स के बारे में भी आपने सुना होगा जो कोर्ट्स होते हैं वहां पर भी ये ई कोर्ट्स की जो Uh, क्या बोलते हैं ये प्रोसेस है वो फॉलो करना शुरू कर दिया गया है तो आपको पता है धीरे धीरे ये हो रहा है तो ये जो चीज है ना ये समझने वाली चीज है ये ये क्या है ये समझने वाली चीज है और जो याद करनी है वो कौन कौन सी वो मैं आपको बता ही चुकी हूं हेलो भारती जी गुड इवनिंग वो कौन सी है एक तो ये आपको ये याद रखना है कि वेबसाइट वेब, वेब पोर्टल का नाम क्या है सी केयर्स सी केयर्स किसने लॉन्च किया यूनियन मिनिस्टर ह्लाद जोशी जी ने उसी के साथ में ये डिजाइन किसने किया तो सी डेक ने डिजाइन किया ये किस लिए बनाया गया है ये आपके एक ऑर्गेनाइजेशन है सीएमपीएफओ इसके लिए ये बनाया गया है इट ये दो से तीन चीजें आपको मेमोराइज करनी है थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं देखिएगा विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ रिकॉर्डेड द हाइएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट ये क्वेश्चन मैं आज आपसे दो क्लासेस पहले भी करवा चुकी हूँ आपको ये बताना है हाइएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट भारत के किस राज्य ने सबसे अधिक रामसर स्थल दर्ज किए हैं केरला है वो जहाँ पे सबसे ज्यादा रामसर साइट है उत्तर प्रदेश है तमिलनाडु है या गुजरात है चलो थर्ड का क्या लगता है आपको थर्ड का फटाफट से आंसर आप लोग मुझे बताएंगे क्या हो जाएगा गुजरात ओके okay, भारती जी बाकी लोग भी बताएंगे देखो क्वेश्चन आते ही पढ़ लो ना पढ़ने के साथ ही फटाफट से उनको मतलब अपने आंखों में ना स्कैनर जैसा यूज करना शुरू कर दो आंखों को स्कैनर की तरह फटाफट पढ़ा अच्छा ये 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 अच्छा हमें इसका अगर पता है तो फटाफट आंसर दे दो नहीं पता है तो थोड़ा सा सोच विचार कर जवाब आप लोग कॉमेंट सेक्शन में दे दे मुझे अच्छा गुजरात के साथ पल्लवी जी भी गुजरात के साथ जा रही है फटाफट से बताएंगे आपको बताना है कि हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट कौन से स्टेट ने अब तक दर्ज किया है उत्तर प्रदेश अच्छा जी ओके भवानी शर्मा जी लेट्स सी और कौन कौन से आंसर हमारे पास में आने वाले हैं देखो अभी दो दिन पहले जो क्लास हुई थी अगर आपने वो क्लास देखी होती तो आप यहाँ पर ये यह सही जवाब इसका देते जो कि है तमिलनाडु तमिलनाडु में मैंने बताया था कि दो ऐसे आपके एक बर्ड सेंचुरी और एक वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ये दोनों ही रामसर साइट ने अपने सूची में इनको शामिल किया है ठीक है और उसी के साथ में तमिलनाडु बनता है सबसे ज्यादा हाइएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स वाला स्टेट ठीक है तो याद रखना यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या है सी है तमिलनाडु ओके चलो अपने आप को फटाफट से करेक्ट करो अगर आप लोगों ने गलत इंफॉर्मेशन फीड कर लिया ना माइंड में उसको डिलीट करके फटाफट से तमिलनाडु यहां पे डाल जल्दी से तमिलनाडु याद कर लो ठीक है गुजरात हटा दो उत्तर प्रदेश हटा दो अब ये दो जो मैंने बताए थे वो कौन कौन से उनको भी हम देखेंगे लेकिन तमिलनाडु में एक चीज और याद रखनी है आपको लीड्स इंडिया इन एनवायरमेंटल कंजर्वेशन विद 16 रामसर साइट्स कितने रामसर साइट्स हैं यहाँ पर टोटल आपको याद रखनी है सिक्सटीन हो गई है अब ठीक है और इसी के साथ तमिलनाडु बनता है टॉप पे ठीक है रामसर साइट में तो ये क्या है बेसिकली आ, अपने पर्यावरण को कंजर्व करने का एक तरीका है रामसर साइट्स ठीक है बनाई जाती है अलग अलग और पर्यावरण को संरक्षण किया जाता है तो यहाँ पे सिक्सटीन रामसर साइट्स आपके जो देश भर में सबसे क्या है अधिक है ओके चलो अगला देखते हैं जिसकी मैं बात करी थी जो फॉरेस्ट रिजर्व और आपकी बर्ड सेंचुरी उसका नाम भी मैंने आपको बताया था लॉन्गवुड शोला रिजर्व इसको याद करो लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट और कराईवेटी बर्ड सेंचुरी कराईवेट्टी बर्ड सेंचुरी इन दोनों को हाल ही में दर्जा दिया गया है इसलिए ये क्वेश्चन न्यूज में मतलब बहुत ज्यादा ये आ गया था और आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है गॉटेड तो रिसेंट एडिशन कौन कौन से हुए एक तो है लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट और दूसरा है कराईवेट्टी बर्ड सेंचुरी ठीक है इसको याद रखेंगे अंडर स्कोर्ड द स्टेट कमिटमेंट टू इकोलॉजिकल प्रिजर्वेशन जो कि पारिस्थितिक संरक्षण के लिए राज्य की प्रतिबद्धता को रेखा करते हैं क्या-क्या चीजें निकल के आई इस क्वेश्चन से सामने? सबसे पहला तो ये कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा रामसर कहां पर हैं? तो वो है आपका लॉन्गवुड तो शोला रिजर्व फॉरेस्ट और कराईवेटी बर्ड सेंचुरी का एडिशन यहां पर हुआ है, क्लियर है बिल्कुल अच्छे से यहीं पे याद करके आप लोग जाओगे okay? अगला देखिए वेयर वॉज द कॉमनवेल्थ अटोर्नीज एंड सोलिसिटर जनरल कॉन्फ्रेंस हेल्ड देखो यहाँ पे आपके ना फुल फॉर्म वाले और जो शॉर्ट फॉर्म्स दे दिए जाते हैं काफी ज्यादा यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है तो याद रखना एक आपकी कॉन्फ्रेंस हुई है आपके मैंने कल की क्लास में सबमिट से रिलेटेड भी करवाए थे जो आपके सेमिनार्स वगैरह हुए हैं ना मीटअप्स हुए हैं उनसे रिलेटेड भी हमने देखे थे कुछ क्वेश्चन उसी तरह से आपके कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड आज का ये क्वेश्चन है देखो कॉमनवेल्थ अटोर्नीज और सोलिसिटर जनरल जो होते हैं उनकी आपस में एक कॉन्फ्रेंस हुई है तो वो कहा आयोजित हुई है भारत के अंदर ये आपको ये बताना है, स्टेट बताना है चंडीगढ़ है तिरुवनंतपुरम है जयपुर है न्यू दिल्ली है चलो इन चारों में से चूज करेंगे फटाफट से कि कौन सा वो स्टेट है, जहां पे ये समिट हुई है. ओके? चले, है आपका फोर्थ और बताएंगे आंसर इसका आप लोग <coughs> हाँ जी, see, अभी किसका सही होता है किसका गेस राइट होता है और अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड तो एक आपकी कॉन्फ्रेंस हुई है जिसका नाम क्या है कॉमनवेल्थ अटॉर्नी एंड सोलिसिटर जनरल कॉन्फ्रेंस पे हुई है चूज कर लीजिए जल्दी से अच्छा भारती जी आए हैं तिरुवनंतपुरम में हुई है ठीक है एक आंसर मिला है मुझे अभी तक बाकी लोग भी देंगे जल्दी जल्दी से जवाब दीजिए तुलसी कुमारी न्यू दिल्ली ओके चंडीगढ़ ठीक है तिरुवनंतपुरम न्यू दिल्ली चंडीगढ़ जयपुर बचा अकेला वो सोच रहा है मुझे किसी ने नहीं बोला चलो आपको क्या लगता है जल्दी से बताइए फटाफट से ये देखिए वायरस अपडेट भी आ गया हम्म so, किसी ने भी यहाँ पे आंसर दी दिया है दैट इज न्यू दिल्ली वो बिल्कुल क्या है सही है तो ये कॉन्फ्रेंस कहां पर हुई है आपके न्यू दिल्ली के अंदर हुई है कॉमनवेल्थ अटर्नी सोलिसिटर जनरल की कॉन्फ्रेंस कहा हुई है न्यू दिल्ली के अंदर हुई है आपको याद रखना है ओके okay? न्यू दिल्ली के अंदर ये हुई है पीएम मोदी इनॉग्रेटेड 2024 क्लियर क्लियर क्या है कॉमनवेल्थ लीगल एजुकेशन एसोसिएशन एक एसोसिएशन है ना उन्होंने क्या किया है इनॉग्रेट किया है किसने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ठीक है और जो कि किसके अंदर आ रहा है कॉमनवेल्थ अटर्नीज एंड सॉलिसिटर जनरल कॉन्फ्रेंस एट विज्ञान भवन न्यू दिल्ली इसका सीधा सा मतलब है आपकी जो यह कॉन्फ्रेंस हुई ना उसके अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक एसोसिएशन जो कि लीगल एसोसिएशन है कॉमनवेल्थ लीगल एसोसिएशन एजुकेशन एसोसिएशन क्लिया याद रखना है सी एल ठीक है इसको क्या किया है इनोग्रेट किया है अभी हाल ही में 2024 फरवरी के अंदर ठीक है और कहाँ पे ये कॉन्फ्रेंस हुई है न्यू डेली में विज्ञान भवन में हुई है पीएम मोदी ने विज्ञान भवन नई दिल्ली में दो कॉमनवेल्थ लीगल एजुकेशन एसोसिएशन क्लिया और कॉमनवेल्थ अटॉर्नी एंड सॉलिसिटर जनरल कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया है ठीक है इसका उद्घाटन किया है न्यू दिल्ली में तो सिंपल सी चीजें आपको याद रखनी है कि कैसे हो जाएंगे एक तो क्लियर याद रख लो फटाफट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को याद रख लो न्यू दिल्ली को याद रख लो विज्ञान भवन को याद रख लो इन सभी फैक्ट्स को ना एक साथ पकड़ के चलना है ठीक है वेदर के अकॉर्डिंग जयपुर में होने चाहिए और क्यूट एंड एन... अच्छा भारती जी आपका थैंक यू बहुत सारा स टेलीग्राम आई डी इज डेली लिंकिंग अफेयर्स अपने जीके जी एस करंट अफेयर्स के लिए टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है डेली लिंकिंग अफेयर्स आप उसमें ऐड हो जाइएगा वहां पर आपको अपडेट्स मिल जाएंगी क्लास के लिंक मिल जाएंगे ओके चलिए तो यहां से ये चीज क्लियर हो गई आप लोगों को अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है आप देखेंगे यहाँ पे वॉट इज द थीम थीम पूछी जाती है आप लोगों को भी पता है कुछ भी आपका Uh, कोई इवेंट होता है उसकी एक थीम रखी जाती है ठीक है उसी तरह से यहाँ पे एक थीम पूछा गया है थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल एफजीएम 2024 फीमेल एफजीएम ठीक है इसकी थीम क्या है महिला एफजीएम 2024 के लिए जीरो टॉलरेंस जीरो टॉलरेंस के अंतरराष्ट्रीय दिवस का विषय क्या है अनलीशिंग यूथ पावर से रिलेटेड female, female पूरा यहाँ पर डे है इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस इसकी थीम आपको यहां चूज करनी है चलो बताओ फटाफट से थीम बताएंगे दो हजार चौबीस की क्या थीम हुई है ये क्वेश्चन नंबर है आपका फिफ्थ और फिफ्थ का देखो मैं हिंट दे देती हूँ मैंने इतना बोला आपको कि इसके अंदर फीमेल के ऊपर है तो फीमेल बेस्ड देखो कहीं पे ऑप्शन में नजर आ रहा है क्या अगर आ रहा है तो फटाफट से आंसर दे दो ठीक है इससे ज्यादा हिंट तो क्या ही दू जल्दी से बता दो ए बी सी और फिर प्लस वन लेके जाओ हम्म ओके सो हियर द आंसर इज सी हर वॉइस हर फ्यूचर इज द थीम ठीक है थीम याद रखनी एफ जी एम की थीम है ये ठीक है एफ जी एम आपके जो हुआ है ट्वेंटी ट्वेंटी फोर में उसकी थीम है हर वॉइस हर फ्यूचर द थीम फॉर ट्वेंटी ट्वेंटी फोर इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल इज हर वॉइस हर फ्यूचर ठीक है इसको याद रखेंगे ये ना ऐसे होते हैं जो हम हमें माइंड में सिर्फ एक से दो चीजों को कनेक्ट करते हुए चलना है दैट्स इट इसमें ऐसा नहीं है कि आपको इसके अंदर भी पूरे पूरे नोट्स बनाने नहीं आपको इसीलिए बोलते स्मार्ट स्टडी का एक तरीका होता है आपको जैसे ये बताया जाए अब मान लो कहीं पर भी आप पढ़ोगे या कोई एग्जाम में पूछ ले जाए एफ फटाफट से आपके दिमाग में क्लिक करेगा कि अरे ऐसा कुछ हमने किया है और वहां पर ऑप्शन में देखते ही आप पहचान लोगे कि हाँ ये वाला आंसर एकदम सही हो जाएगा तो माइंड इसी तरह वर्क करता है आपको बस क्या करना है थोड़ा सा फोकस होके थोड़ा सा कंसंट्रेट करके इन क्वेश्चंस को और आंसर को डील करना है ठीक है गलत डेटा को डिलीट करते जाना हाथों हाथ नहीं तो फिर क्या होगा कि कंफ्यूज हो जाओगे सॉरी <laughs> अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर सिक्स ओके

क्या ये बटरफ्लाई स्पीशीज का है या फिश है या फ्रॉग है ठीक है क्या लगता है आपको लेंटाना कैमरा और सिक्स नंबर आपका है क्या चूज करोगे यहां पर फटाफट से मुझे आंसर बताइए आप लोग एबीसी और देखो क्वेश्चन नंबर लिखते जाना ओके क्वेश्चन नंबर लिखने से क्या होगा कि मेरे को कंफ्यूजन नहीं होगा कि आप किसका आंसर बोल रहे हो हम्म और एबीसीडी नहीं लिखना है तो डायरेक्ट जो आंसर है उसका नाम लिख दो कि हाँ ये हमको लग रहा है तो ये क्या है लेंटाना कैमरा फ्रॉग है <laughs> अच्छा ठीक है फ्रॉग डी के लिए अच्छा डी के साथ जा रहे हो आप लोग ओके पल्लवी जी ए बोल रहे हैं केशव जी ए बोल रहे हैं ओके ओके सो तो जिस किसी ने भी इसका आंसर जो है ए दिया है दैट इज फ्लावरिंग प्लांट तो ये बिल्कुल सही है ये क्या है ये फ्रॉग नहीं है ओके जिसने भी फ्रॉग बोला है वो कैंसिल कर लो ये क्या है एक प्लांट है ठीक है फ्लावरिंग प्लांट है इस पर फूल वगैरह लगते हैं इस प्लांट पे और इसके जो है इसको हाल ही में न्यूज में देखा गया है इसका नाम थोड़ा सा माइंड में बिठा लो लेंटाना कैमरा ओके और ये फ्लावरिंग प्लांट है किस स्पीशीज से है फ्लावरिंग प्लांट इस कल्चर मेड फ्रॉम द लेंटाना कैमरा प्लांट रिसेंटली गेंड अटेंशन एट बेंगलुरु एग्जीबिशन क्यों आया न्यूज में हर एक का बात होती है चलो हमने पढ़ तो लिया कि ये किस स्पीशीज से लेकिन ये करंट का कैसे हुआ क्यों इसको न्यूज में देखा गया वो इसलिए देखा गया क्योंकि बेंगलुरु में क्या हुआ था अभी हाल ही में एक एग्जीबिशन लगी थी वहां पर इससे लेंटाना कैमरा जो है इससे बनी हुई इसने क्या किया इस प्लांट से किसी ने मूर्तियां बनाई तो ये बहुत ही ज्यादा प्रचलन में आ गया बहुत ही ज्यादा वायरल हो गया और लोगों ने मतलब इतना ज्यादा इसको पसंद किया कि ये पूरा कहाँ पर आ गया न्यूज में आ गया कोई भी चीज उठती है एकदम से तो वो न्यूज में आ जाती है अगर इंपॉर्टेंट होती है या फिर कुछ अच्छा होता है या फिर कुछ डिफरेंट हमको नजर आता है तो वो सारी चीजें न्यूज में आ जाती है और कहीं ना कहीं वहां से ही आपके उसी चीज को उठाकर के आपका क्वेश्चन बना दिया जाता है स्पीशीज पूछ लिया है ना तो ये बन गया आपका क्वेश्चन तो इसी तरह से आपको याद रखना है कि बेंगलुरु एग्जीबिशन में इसके मूर्तियां बनाई गई हैं इस प्लांट से ठीक है आक्रामक लैंटाना कैमरा संयंत्र से बनी मूर्तियों ने हाल ही में बेंगलुरु प्रदर्शन में ध्यान आकर्षित किया है अगला देख लो व्हाट इज कैंडिडा ओआरएस कैंडिडा ऑरिस इसको शॉर्ट फॉर्म में सी ऑरिस भी बोला जाता है क्या बोला जाता है सी ऑरिस भी बोला जाता है ये भी न्यूज में अभी मैंशन किया गया है तो ये क्या है देखो कैंडिडा uh, और अभी पीछे हमने लेंटाना कैमरा पड़ा ठीक है तो यहाँ पे ये क्या है अब इसको बताओ फंगस है बैक्टीरिया है इन्वेसिव प्लांट है या फिर वायरस है क्या है बेसिकली ये कैंडिडा और जिसको हाल ही में न्यूज में देखा गया है चलिए फटाफट से बताएंगे हम्म I'm waiting. जल्दी से बताओ सेवेंथ वाले का क्या लगता है आप लोगों को फंगस है कि बैक्टीरिया है या इनवेसिव प्लांट है या फिर वायरस है <coughs> बोलो बोलो कहाँ गए सारे सोल्जर्स हमारे <laughs> जल्दी से बताएंगे क्या हुआ अटक गए या कहा चलेगा अच्छा ए सेवेंथ का ए, फंगस <coughs> पल्लवी जी का आया है ओके केशव जी का भी आ गया ऐसा तो नहीं है वहां बैठे बैठे गूगल सर्च कर रहे हो <laughs> चीटिंग नहीं करना <laughs> <इन> से <वैसे> प्लांट्स <laughs> चलो फंगस इज द करेक्ट आंसर फफूंद होती है ना जो तो ये कैंडिडा और जो है ये एक तरह की क्या है ये फंगस है ओके फंगस ये हो जाएगी कैंडिडा डेडली मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट फंगस पोज़ेज़ अ ग्लोबल हेल्थ थ्रेट बाय कॉजिंग इन्वेसिव इंफेक्शन पर्टिकुलरली इन इंडिविजुअल्स विद वीकेंड इम्यून सिस्टम ये क्यों इतना ज्यादा हो गया क्योंकि ये इतना ज्यादा फैला है कैंडिडा जो ऑरिस है एक घातक मल्टी ड्रग प्रतिरोधी कवक है क्या है ये कवक है और आक्रामक संक्रमण पैदा करके वैश्विक स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा करता है मतलब सिर्फ एक किसी कंट्री की पर्टिकुलर बात नहीं हो रही बल्कि पूरे दुनिया की बात हो रही है पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ये जो है कैसा है हार्मफुल है आक्रामक संक्रमण है जो स्वास्थ्य पर क्या करता है खतरा पैदा करता है इसलिए विशेष रूप से जिसका मतलब इम्यून सिस्टम बहुत ही ज्यादा वीक होता है ना सबसे ज्यादा ये उनको अपने चपेटे में ले रहा है इस वजह से क्या हुआ ये न्यूज के अंदर आ गया था कैंडिडा और जो फंगस है जो कि क्या कर रही है बीमारी और बीमारी खतरनाक बीमारियां जो है हेल्थ पर बहुत ही ज्यादा बुरा प्रभाव डाल रही है ठीक है फंगस है आपको ये जानकारी मिल चुकी है और अब आपको पता है अब आगे आपसे कभी कोई पूछ ले तो आपको पता है कि ये क्या है कैंडिडा और इज अ फंगस ठीक है ये डिस्कवर कब हुआ था वैसे तो ये काफी पुराना लेकिन हाल ही में फैला कब है ज्यादा अभी 2024 के अंदर ये आया है न्यूज़ में जापान में सबसे पहले इसको 2009 में देखा गया था डिस्कवरी की गई थी खोजा गया था इसको इट हैज रैपिडली स्प्रेड वर्ल्ड वाइड और पता भी नहीं चला कब धीरे 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 ये पूरी दुनिया में फैल चुका है ठीक है अगला क्वेश्चन आपके लिए है इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम प्रोग्राम रिसेंटली सीन इन द न्यूज कम्स अंडर मिनिस्ट्री आपका एक प्रोग्राम है जैसे कि अभी हमने कॉन्फ्रेंस देखा कल कुछ सबमिट देखी थी उसी तरह कुछ प्रोग्राम्स भी होते हैं कुछ स्कीम्स भी होती है ना जो योजनाएं वगैरह होती है उसी तरह से एक प्रोग्राम है जो कि न्यूज में आया है आपके और प्रोग्राम का नाम है इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है इन ट्रांस ठीक है क्या बोला जाता है इन ट्रांस तो ये क्या है बेसिकली इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एंड एक वर्ड आ रहा है ट्रांसपोर्टेशन इसको देखते ही आप समझ जाएंगे कि ये क्या है एक ट्रांसपोर्टेशन का जरिया है ट्रांसपोर्टेशन के लिए ही ये कोई प्रोग्राम होगा है ना तो ये आपका यहां पर पूछा गया है किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है यहां पे क्या पूछ लिया गया आपसे इधर आपसे पूछ लिया गया है मिनिस्ट्री बताइए तो आपको मिनिस्ट्री बतानी है कि किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है मैंने आपको बता दिया है ट्रांसपोर्टेशन एक वर्ड पकड़ लो यहां ट्रांसपोर्टेशन उसके अकॉर्डिंग आप यहां पर सीधा आंसर तक पहुंच जाओगे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन चलो आपको क्या लगता है क्वेश्चन नंबर एट का क्या सही जवाब हो जाएगा uh, केशव जी का सी आया आर्यन जी का सी आया है ओके uh, okay. <clears throat> एक पूरा सिस्टम है ठीक है ए ओके जी हां लेट सी ए और सी के लिए मेरे पास में ज्यादातर जो है आंसर आ रहे हैं आप लोगों के लेट सी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब <laughs> ये हो जाएगा आपका मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी से रिलेटेड है ठीक है आईटी से रिलेटेड ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी से रिलेटेड इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ठीक है किस मिनिस्ट्री के अंदर में आता है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये क्या है एट द डिजिटल इंडिया फ्यूचर लैब सबमिट आपके एक सबमिट हुई है देखो यहाँ पे अगर क्वेश्चन बनाना दो तीन तरह से घुमा के पूछ लिया जाएगा सब्मिट पूछ सकते हैं सबमिट से आपको वो पूछा जा सकता है कि कौन सा प्रोग्राम लॉन्च हुआ है है ना अभी आपसे प्रोग्राम पूछ लिया है तो यहाँ पे आपको कुछ फैक्टर्स याद रखने जैसे कि फर्स्ट फैक्टर तो यही है डिजिटल इंडिया फ्यूचर लैब सबमिट हुआ है दो ठीक है थ्री इंडिजीनियस टेक्नोलॉजीज जैसे कि थर्मल कैमरास सीमोस कैमरा फ्लीट मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप्ड बाय सी डेकुअंतपुरम अंडर इन ट्रांजिट प्रोग्राम ऑफ मीटी ट्रांसफर टू 12 इंडस्ट्रीज 12 इंडस्ट्रीज के लिए तो डिजिटल इंडिया फ्यूचर लैब समिट 2024 में मीटी के इन ट्रांसिट कार्यक्रम के तहत सी डेक तिरुवनंतपुरम द्वारा विकसित तीन स्वदेशी तकनीक इसके अंदर तीन तीन टेक्निक्स शामिल थी जैसे कि थर्मल कैमरा सीमोस कैमरा फ्लीट मैनेजमेंट सिस्टम इसको क्या किया है बारह उद्योगों में स्थानांतरित किया गया है ट्रांसपोर्ट किया गया है इन टेक्नोलॉजीज को इन जितने भी ये तीनों तकनीक दिख रही है बारह उद्योग बारह इंडस्ट्रीज में इनको क्या किया गया है ट्रांसपोर्ट किया गया है It. और ये आपको याद रखना है सबमिट कौन सा था डिजिटल इंडिया फ्यूचर लैब सबमिट 2024 अगला क्वेश्चन है व्हाट इज रिसेंटली ओबीलिस्क इन द न्यूज देखो यहाँ पे ना मैं वो वाले क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो कि मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और हो सकता है आपने इनके बारे में नहीं पढ़ा हो या नहीं सुना हो ठीक है तो अब आप यहाँ पर इनको बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर कर लीजिए ओबेलिस्क जो कि न्यूज में देखा गया था ये क्या है और जियोलॉजिकल फॉर्मेशन को क्या कोई जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है एशियंट आर्किटेक्चरल कोई स्टाइल है या फिर आपका क्लास ऑफ वायरस लाइक इंटाइटिस है या कोई एस्टीरोइड है जो आपके उल्का पिंड बिल्कुल उतर के आ गया और धरती पर क्या है ये ओबेलिस्क चलो आपको क्या लगता है आप लोग मुझे आंसर करके बताइए क्वेश्चन नंबर है आपका नाइन्थ और क्या लगता है हो जाएगा इसका राइट आंसर वेरी गुड इवनिंग राम बिलास जी जल्दी 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 बताएंगे क्या है ये ओबिलिस्क तो ये है मैं बता देती हूं आपको कोई दिक्कत नहीं है क्लास ऑफ वायरस लाइक एंटाइटीज ठीक है वायरस होता है ना उस तरीके का ही एक जैसे वायरस की भी अलग अलग क्लासेस होती है उस तरह से ये क्या है एक वायरस है वायरस लाइक एंटाइटी है वायरस नहीं कहेंगे उसके जैसी ही एक एंटाइटी है ओके तो ऑप्शन नंबर सी यहां पे सही हो जाएगा आप लोगों का इसको याद रख ले वापस जाए obelis, uh, जो है आपका क्या है क्लास ऑफ वायरस लाइक एंटाइटी हो जाएगा ठीक है क्लास ऑफ वायरस लाइक एंटाइटी सी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा साइंटिस्ट रिसेंटली डिस्कवर्ड अ नोवल क्लास ऑफ वायरस लाइक कॉल्ड एंटाइटिक विद इन द ह्यूमन बॉडी और इवन ये कहां पे खोज की गई है आपके मानव शरीर के भीतर ठीक है ये कहां पे प्रेजेंट है वायरस लाइक एंटाइटी है जो कि आपके मानव शरीर के भीतर ही है ओबिलिस्क नामक वायरस जैसी संस्थाओं के एक उपन्यास वर्ग की खोज की है ठीक है साइंटिस्ट ने आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ये क्या है एक वायरस लाइक एंटाइटी है जो ह्यूमन बॉडी के अंदर है और ज्यादा तो समझने के हिसाब से आप ये समझ सकते हो मैंने एक्स्ट्रा कुछ फैक्ट्स भी डाले इसके अंदर जैसे कि ये आर बेस्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं अराउंड वन न्यूक्लियोटाइड्स न्यूक्लियोटाइड इन एंड साइज जो है इसका कितना है वन थाउजेंड फ्रॉम रोड लाइक स्ट्रक्चर जैसे रॉड होती है ना आपकी उस तरीके की ये स्ट्रक्चर होता है इसका एंड फॉर्म रॉड लाइक स्ट्रक्चर एंड डिफर फ्रॉम नॉन बायोलॉजिकल एजेंट्स बहुत ही अलग तरीके का एक ये एंटाइटी है जो आपके ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है साइंटिस्ट ने इसको हाल ही में डिस्कवर किया है आपको सिर्फ ये वर्ड याद रखना है और उसी के साथ याद रखना है कि ये ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है पाया जाता है अगला क्वेश्चन देखिए हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वीमेन चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाईकोर्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए उत्तराखंड हाईकोर्ट की बात की जा रही है और पहली महिला चीफ जस्टिस की बात की जा रही है ठीक है फर्स्ट आपके विमेन चीफ जस्टिस की बात की जा रही है उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है ऋतु भारी हिमा कोहली इंदिरा बनर्जी या रूमा पाल इन चारों में से आपको क्या लगता है सही जवाब होगा चलो इसका तो मुझे उम्मीद है कि ये ये तो इतना आया होगा आप लोग इससे अपडेट रहे होंगे मुझे लगता है और आंसर का वेट करिए ओके okay. केशव जी प्रीति जी का आ चुका है ए बाकी लोगों का भी मैं जानना चाहूंगी कि क्या लगता है आपको उत्तराखंड के यूके की आपकी यूके हाई कोर्ट की पहली महिला बनी है चीफ जस्टिस तो ये अपने आप में ही एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है तो राइट आंसर यहाँ पर जो होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा रितु बहारी ठीक है ए विल बी द करेक्ट आंसर तो बिल्कुल सही है आप लोगों ने सही बोला है केशव जी प्रीति जी ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा रितु बहारी ठीक है ये क्या है ऋतु बारी आपके जस्टिस पहले बने हैं इन्होंने पूरी एक इतिहास रच दिया मेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट वीमन चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट एंड टेकिंग द ओथ एडमिनिस्ट्रेटर गवर्नर कौन सा कौन है गवर्नर वहां के एक चीज आपको यहाँ से ये भी देखने को मिल जाती है ठीक है इन्हीं के सामने शपथ लेते हैं ठीक है ये शपथ दिलाते हैं आपके चीफ जस्टिस को तो गवर्नर आपके लेफ्टिनेंट जनरल है गुरमीत सिंह क्या नाम है गुरमीत सिंह बात कहाँ की हो रही है उत्तराखंड की हो रही है और उत्तराखंड के आपके रितु बनी है पहली महिला चीफ जस्टिस ठीक है और इसी के साथ में इन्होंने पूरा इतिहास ही चेंज कर दिया है तो न्यायमूर्ति रितु बहारी ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनकर इतिहास रच दिया राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल कौन है गुरमीत सिंह और उन्होंने इनको शपथ दिलाई है ये या आपको याद रखना है फ्रॉम पी एच एच सी वेरी नाइस केशव केशव जी केशव गर्ग चलिए इलेवेंथ देखिएगा विच रशियन कॉस्मोनॉट रिसेंटली सेट द रिकॉर्ड फॉर स्पेंडिंग द मैक्सिमम टाइम इन स्पेस हाल ही में किस रूसी अंतरिक्ष यात्री ने अंतरिक्ष में अधिकतम समय बिताने का रिकॉर्ड बनाया है एक रिकॉर्ड जैसे होता है ना बोलते रिकॉर्ड बनते ही इसीलिए कि उनको कोई ना कोई ब्रेक करेगा आगे तो इसी तरह अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा वक्त तक टाइम स्पेंड करने वाले आपके रशियन एक कॉस्मो कॉस्मोनोट है जो आपके अंतरिक्ष यात्री होते हैं उन्हीं को कॉस्मोनोट इंग्लिश में बोला जाता है तो अंतरिक्ष अंतरिक्ष यात्री हैं एक इनमें से आपने क्या इनके बारे में अभी न्यूज में हाल ही में पढ़ा है क्या तो आप लोग देखो सरगई क्रिकालेव यूरी मेले और येलेना सेरोवा ओलेग कैको चलो बताओ को गुप्ता किसका बता रहे हैं आप ये आंसर का या फिर 10th का <coughs> मैं पूछ हूँ आपसे इलेवेंथ का और 11th का आप लोग जल्दी से मुझे बताएंगे आंसर क्या लगता है क्या आपने इनके बारे में पढ़ा है हाल ही में या ऐसा कुछ अपडेट आपके पास आया हो सो विल बी जो आपका सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा दैट इज ओलेग कोनोनेंको ठीक है ये आपके रशियन अंतरिक्ष यात्री हैं जिन्होंने अंतरिक्ष में अधिकतम समय बिताने का क्या किया है रिकॉर्ड बना लिया है तो ऑप्शन नंबर जो है आपका डी <coughs> सही हो जाएगा बिल्कुल यहां पर ठीक है चलिए बढ़ते हैं आगे नंबर ट्वेल्थ देखिएगा देखो ये भी ये मैंने कल की क्लास में ही आपको कराया तो एक आपके रिवीजन हो जाएगा यहाँ पर लेट मी सी कि आप लोग इसका सही जवाब दोगे कि नहीं आपके हेज हेजिंग पास रिसेंटली वाज़ अ प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री ये किसके प्रेसिडेंट है जिनका हाल ही में निधन हो गया नाम क्या है हेज जिंगोब ठीक है एंगोला के हैं बोट्सवाना के हैं जैम्बिया के नमीबिया के चलो फटाफट से बता दो इसका राइट आंसर कल की क्लास में करवाया है और ट्वेल्व नंबर आपका है रिविजन हो जाएगा जल्दी से देखेंगे किसको याद है इनका हाल ही में निधन हो गया ये किस देश के राष्ट्रपति हैं ये आपको बताना है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है आपका ट्वेल्व और ट्वेल्व का आप लोग क्या आंसर देना चाहोगे प्रीति जी का आया है डी ओके वेटिंग फॉर मोर आंसर्स आप लोग जितने भी लोग बैठे हैं सभी लोग जवाब देंगे यहाँ पर डी डी राम बिलास जी बी ओके ठीक है तो बिल्कुल सही है डी नामी के ही ये क्या रहे हैं आपके राष्ट्रपति थे नाम क्या है हेज जिंग अगला देखिए थर्टींथ ये एक रिविजन काइंड ऑफ क्वेश्चन थे मैंने दो तीन क्वेश्चन ऐसे डाले हैं इसके अंदर जो आप कर चुके हो पहले अब देखो ये वाला वेयर वॉज द इंडिया फर्स्ट डिजिटल नेशनल म्यूजियम ऑफ एपीग्राफी ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है आपके लिए इनोग्रेटेड एक स्टेट uh, है वहां पर एक म्यूजियम को इनोग्रेट किया गया है नाम क्या है इंडिया का सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है इंडिया का सबसे पहला आपके डिजिटल नेशनल म्यूजियम है ये एपिग्राफी के लिए ठीक है लक्ष्मी राजी गुड इवनिंग गुड इवनिंग चलिए तो भारत के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरा लेख संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया था ठीक है ये बताना है हैदराबाद में बेंगलुरु में चेन्नई में जयपुर में चलो ये एपिग्राफी के लिए जो आपका है ठीक है पूरा लेख इसके म्यूजियम के अंदर रखे गए और पहला डिजिटल है इसलिए मुझे आप लोगों से जानना है क्या लगता है आपको इसका सही आंसर क्वेश्चन नंबर आपका थर्टींथ है और क्या चूज करना चाहोगे मोनिका hmm. जी किसका बता रहे हैं आप आंसर थर्टींथ का बता रहे हैं या फिर लास्ट वाले का क्योंकि क्या है ना मैं जैसे पढ़ाती हूँ तो थोड़ा सा क्या हो जाता है डिली चलता है ना इस वजह से मैं आपको कहती हूँ कि आप क्वेश्चन नंबर जो है वो लिख के भेजिए कॉमेंट जो है थोड़ा लेट आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन है और थर्टीन का मैं देख पा रही हूँ ए बी और सी तीनों ही जवाब मुझे मिल रहे हैं तीनों ही जवाब मुझे यहाँ पर मिल रहे हैं लेट सी क्या हो जाएगा सही आंसर चलिए तो जिस किसी ने भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बोला है दैट इज हैदराबाद वो बिल्कुल सही है दैट इज केशव जी आप जो है डी के चक्कर में बी लिखा गया है <laughs> कोई दिक्कत नहीं है रामविलास यहाँ पे बताइए थर्टींथ का आपको क्या लगता है थर्टीन का है आपका आंसर ए हैदराबाद हो जाएगा याद रखना ठीक है इंडिया का पहला डिजिटल नेशनल म्यूजियम कहां पर आ, इनोग्रेट किया गया है आपके हैदराबाद के अंदर <coughs> चलिए आगे बढ़ते हैं देखिएगा यूनियन कल्चर मिनिस्टर हैं आपके ठीक है इनोग्रेशन किसने किया है ये भी आपको एक याद रखना है आपके यूनियन कल्चर जो केंद्रीय संस्कृति मंत्री हैं कहां के आपके हैदराबाद के जी किशन रेड्डी <coughs> मिनिस्टर कौन है जी किशन रेड्डी इन्होंने इनोग्रेशन किया है और इन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा है एट इंडिया नेशनल डिजिटल नेशनल म्यूजियम ऑफ एपिग्राफी एट द सालर जंग म्यूजियम हैदराबाद के अंदर कहां पे सालर जंग म्यूजियम हैदराबाद <coughs> केंद्रीय संस्कृति मंत्री किशन रेड्डी ने हैदराबाद में के सालर जंग संग्रहालय में भारत के डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय एपिग्राफी के आधारशिला का उद्घाटन किया है सिर्फ यहाँ पर एक तो वो याद रख लो स्टेट याद रख लो दैट इज हैदराबाद ठीक है शुभम तिवारी जी हाँ जी ये होगा बिल्कुल सही है और आपके मिनिस्टर का नाम यहाँ पर आप याद रख ले अगला देखिएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ अभ्यास रिसेंटली सीन इन द न्यूज हाल ही में समाचारों में देखे गए अभ्यास का सबसे अच्छा विवरण निम्नलिखित में से क्या है मतलब बेसिकली आपको बताना ये अभ्यास जो है ना ये अभी न्यूज में देखा गया ये है क्या तो अ ट्रांजिट मेथड टू डिटेक्ट प्लैनेट्स क्या कोई मेथड है ऐसा जिससे प्लैनेट्स को डिटेक्ट किया जा सके जो ग्रह होते हैं आपके उनको डिटेक्ट करने का एक मेथड है या हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट एरियल मतलब हवा में कोई किसी को टारगेट करने के लिए ये एक अभ्यास ऐसा कुछ बनाया गया एक हाई स्पीड का या ये कोई सैटेलाइट है क्या ये कोई उपग्रह है या फिर आपका नेक्स्ट जनरेशन स्टील्थ एयरक्राफ्ट है अगले नेक्स्ट जनरेशन कोई एयरक्राफ्ट है आखिरकार ये अभ्यास है क्या तो ये आपको यहाँ पे चूज करना है क्वेश्चन नंबर है आपका फोर्टीन और आप बताएंगे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा हम्म hmm. देखो आप एक बार इसको पढ़ना अभ्यास ठीक है और एक बार इन सारे चारों ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ के देखो आपको कहीं ना कहीं सही जवाब जो है ना क्लिक हो जाएगा माइंड में कि हाँ ये ये है हो सकता है गुड इवनिंग जी शुभम तिवारी जी आ जाइए सभी लोग जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है और आप लोग यहीं से क्वेश्चन के क्वेश्चन को ज्वाइन करिए और आंसर देना स्टार्ट कर दीजिए क्या लगता है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन का वट विल बी द करेक्ट आंसर ये ओके okay, डी मुझे मिल रहा है जी चलिए सो सही जवाब इसका होगा एक हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट ठीक है ये है अभ्यास हवा में आपका टारगेट करने के लिए एक हाई स्पीड ये बनाया गया है तैयार किया गया है अभ्यास जी हाँ तुलसी कुमारी जी बी बिल्कुल सही जवाब इसका हो जाएगा ये किसने ऑब्वियसली जो ये डी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है आपकी इन्होंने इसमें सक्सेस ये इन लोगों ने पाई है विथ फोर फ्लाइट ट्रायल्स ऑफ अभ्यास इन्होंने अभ्यास के क्या किए हैं चार ट्रायल किए हैं जो कि वो क्या हुए बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल हुए हैं और इस मिशन में ये लोग कामयाब हुए हैं और ये क्या है हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट करता है ये किसने करा है ये डीआरडीओ ने आपके बनाए रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ ने हाल ही में अभ्यास के चार उड़ान परीक्षणों के साथ सफलता हासिल की है जो कि उच्च गति व्यय योग्य हवाई लक्ष्य अगर आपको हवा में टारगेट करना है तो ये उससे रिलेटेड है अभ्यास ठीक है इस वर्ड को याद रखना अभ्यास यहाँ पे सही जवाब आपका होगा और डीआरडीओ ऑर्गेनाइजेशन याद रखना ठीक है फिफ्टीन देखिएगा मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोग्राम ये देखो जो गवर्नमेंट स्कीम्स या प्रोग्राम्स होते हैं ना ये आपके एग्जाम्स में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं तो एक आपका प्रोग्राम है जिसका नाम है मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोग्राम रिसेंटली सीन इन द न्यूज कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री सीधा सीधा इन्होंने क्या पूछ लिया है आपसे पूछ लिया है मिनिस्ट्री मेरा गांव मेरी धरोहर कार्यक्रम जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है तो चार मिनिस्ट्री दे रखी है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आप यहां पर बता दोगे इजीली मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ठीक है तो मेरा धरोहर मेरा गांव मेरी धरोहर एक धरोहर वर्ड को पकड़ो और यहाँ पे वो मिनिस्ट्री जल्दी से चूज कर लो क्या हो जाएगी फिफ्टींथ नंबर है आपका अब मैंने आपको बता दिया है कन्फ्यूजन आपको हो सकती है मुझे लगता है दो में कन्फ्यूजन हो सकती है और उन दो में कन्फ्यूजन को क्लियर करने का बेस्ट तरीका है कि यहाँ पर एक वर्ड पकड़ लो धरोहर तो धरोहर से आपको यहां पे सही जवाब में पहुंचने में बहुत ही आसानी होगी चलो हिंट दे दिया है अब देखते हैं कि कौन सही जवाब तक पहुंचता है चलो फिफ्टींथ का हम बात करेंगे हम्म तो जैसा कि मैंने कहा था कि आप लोग दो तो ऑप्शन को एलिमिनेट कर दोगे सीधा सीधा फाइनेंस को हटा दोगे और डिफेंस को हटा दोगे क्योंकि इससे कोई लेना देना नहीं है फिर आपको लगा रूरल डेवलपमेंट मतलब ये गांव से रिलेटेड है तो आप थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज हुए कल्चर में कंफ्यूज हुए लेकिन आपको यहाँ पे साफ साफ दे रखा है मेरा गांव मेरी धरोहर धरोहर की पर्टिकुलर बात आ रही है तो किसकी बात आ रही है कल्चर की तो सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा जिस किसने बोला है उनको मिलेगा प्लस वन और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में आपका ये प्रोग्राम जो है वो इनिशिएट किया गया है मेरा गाँव मेरी धरोहर गॉट इट तो सी ऑप्शन यहां पे बिल्कुल सही हो जाएगा आपका द मेरा गांव मेरी धरोहर एम इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख दिया है एम जी एम डी प्रोग्राम इनिशिएटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ठीक है और इसका मकसद क्या है आ, एम क्या है इसका हर किसी का कोई भी प्रोग्राम है उसका एम ऑब्जेक्टिव्स होते हैं फिक्स होते हैं कि हम ये क्यों कर रहे हैं कोई प्रोग्राम अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो उसका गोल क्या है हम क्या करना चाहते हैं तो एम होता है तो इसका है टू कल्चरली मैप इंडिया सिक्स पॉइंट फाइव लैख विलेजेस इसके अंदर भारत के कितने गाँव को शामिल किया है छः पॉइंट पाँच लाख गाँवों को शामिल किया गया है एंड कम्पांस 28 एट स्टेट्स एंड एट यूनियन टेरिटरीज तो आपके जो यूनियन टेरिटरीज हैं और स्टेट्स ऐसा नहीं कि सिर्फ स्टेट्स की बात करें यूनियन टेरिटरीज की भी सबको मिलाकर के उनके टोटल 6.5 लाख विलेजेस में इनको शामिल किया गया है वहां के संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए मेरा गांव मेरी धरोहर कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है जो आपके अट्ठाईस राज्य है और सात जो आपके केंद्र शासित प्रदेश है इनको शामिल करते हुए भारत के सिक्स लाख फाइव गाँव का सांस्कृतिक रूप से मानचित्रण करना है गौटे मैप पर उनको इंडिकेट करना हुँ? हम लोग देखते हैं मैप्स चलो बड़े बड़े शहर बड़े बड़े महानगर उनके मैप में हम देख लेते हैं कि यहां पर ये यहाँ पर ये लेकिन क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि, कि किसी गांव मैप में गांव मेंशन किए गए हो वहां पर मैप किए गए हो नहीं देखा लेकिन इस प्रोग्राम के अंतर्गत क्या किया गया है आपके जितने स्टेट्स हैं जितने यूनियन टेरेटरीज है उसमें जिनकी संस्कृति बहुत ज्यादा खूबसूरत है या कहीं खो रही है तो ऐसे ही सिक्स लाख विलेजेस को जो है आपके मैप पर क्या करा जाएगा कल्चरली वहां पर और दर्शाया जाएगा ये आपके इस प्रोग्राम का पूरा मेन एम है तो याद रखेंगे मिनिस्ट्री आपको पता चली गई मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर यहां पर हो जाएगी अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं नंबर आपके सिक्सटीन की बात की जा रही है रिसेंटली वेयर द जियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ इसराइल वॉज अनकवर्ड अंडर वॉटर कैनियन नेम्ड इरेटोस्थीम्स एक आपका इंस्टीट्यूट है जियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ इसराइल ठीक है हाल ही में इसराइल के भूवैज्ञानिक संस्थान को एरास्टोथनीज नामक पानी के नीचे की घाटी का पता चला था तो ये बहुत ही ज्यादा अब मैं इसकी बात करूं तो ये किसका आपका क्वेश्चन आ गया वर्ल्ड का ठीक है क्योंकि आपके वर्ल्ड लेवल के भी देखने को मिलते हैं एम बेसीजे में देखा हो आपने आने वाले उससे पहले के कुछ एग्जाम्स में देखा हो आपको करंट अफेयर्स में भी जो वर्ल्ड लेवल के करंट अफेयर्स हैं वो जो भी घटनाएं हुई हैं वो भी आपसे पूछी गई थी उसी की तरह आपसे एक ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि हाल ही में इसराइल के जो भूवैज्ञानिक संस्थान है उन्हें क्या मिला एराटो तो स्थोन स्थनी नामक पानी के नीचे ये एक पानी के नीचे घाटी का पता चला था पूरा पानी है उसके नीचे उन्होंने क्या पता किया कि घाटी बसी हुई है और ये किसने पता किया आपके जियोलॉजी आर्कियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ इजराइल ने इजराइल ने पता किया अब यहाँ पर ये पता चला था तो कहाँ पे पता चला था ये बताने नियर ओमान नियर सिप्रस नियर इजिप्ट नियर इराक इन चारों में से कहीं पे आसपास में है तो जल्दी से चूज कर लो अपना सिक्सटीन का क्या आंसर यहाँ पर हो जाएगा 16th का आप लोग बताएंगे आंसर <coughs> खराश बहुत ज्यादा हो रही है आज गले में तो ये आ जाएगा आपका जहां पे इस घाटी का पता चला है ऑप्शन नंबर में आपको बता देती हूँ बी हो जाएगा नियर सिप्रस कहां पे हो जाएगा नियर सिप्रस बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा नियर सिप्रस अगला देखिए जियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट जो इजराइल है डिस्कवर्ड इन अनोन अंडर वाटर अनोन अंडर वाटर कैनियन नियर सिप्रस डेटिंग बैक टू तो द मेसिनियन इवेंट ऑल्सो नोन एज द मेसिनियन सलाइनिटी क्राइसिस मतलब ये इसकी एक्सप्लेनेशन है थोड़ा सा फैक्ट है कि अगर आपको डिटेल में इसके बारे में जानना है तो इसराइल के जो भूवैज्ञानिक संस्थान है इसने साइप्रस के पास में एक अज्ञात पानी के नीचे घाटी की खोज की है और जो मेसिनियन इवेंट में वापस डेटिंग करती है जिसे मेसिनियन लवणता संकट के रूप में भी जाना जाता है तो हमको सिर्फ इतना याद रखना है कि, कि किसकी खोज की गई है कहाँ की गई है दैट्स ऑल ठीक है सेवनटींथ की बात कर लेते हैं वैक्सीन सेफ्टी नेट एक वर्ड आपका आया है इसको थोड़ा ऑर्गेनाइजेशन एक खबरों में देखा गया किस संगठन की पहल है यूनिसेफ डब्ल्यू एच एन एफ टी ए यान डी पी से एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने वैक्सीन सेफ्टी नेट को इनिशिएट किया है अब मुझे बता दो आप लोग सेवनटीन का फटाफट से बता देंगे 17th का, क्या हो जाएगा राइट right आंसर देखिए अगर मैं आपको हिंट दूँ हिंट वैसे आपको मिल ही रही है क्वेश्चन सही वैक्सीन बेसिकली किस लिए यूज में आती है वो सोचो यहाँ पे देखो ऐसी कोई संस्था है क्या जो इन सब से जुड़ी हुई है आपके आ, मेडिकल से रिलेटेड जुड़ी हुई है <clears throat> है ना तो वो वही आपका आंसर है तो जल्दी से चूज कर लो रामबिलास जी का देखो बी आ गया है सेवनटीन्थ का बाकी सब लोग क्या देना चाहोगे तो वैक्सीन सेफ्टी नेट जिसको जिसने इनिशिएटिव लिया है ये ऑर्गेनाइजेशन है आपकी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ से रिलेटेड है आपका वैक्सीन वाला तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विल बी द करेक्ट आंसर ओके वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हाँ जी बिल्कुल सही प्रीति जी तुलसी जी ओके okay. तो ये हो जाएगी आपकी डब्ल्यू ठीक है ये बेसिकली डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए है ये आपके फाइनेंस से रिलेटेड है ठीक है चिल्ड्रन से रिलेटेड है लेकिन ये वाला जो डब्ल्यू एचओ है ये हेल्थ से रिलेटेड है और वैक्सीन किसके अंडर में आती है हेल्थ के के में में आती है, WHO के अंदर में आती है है इंडियन प्रोजेक्ट थिप है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वैक्सीन सेफ्टी नेट री इन्फोर्सिंग इट्स कमिटमेंट टू डिलीवरिंग क्रेडिबल वैक्सीन सेफ्टी इन्फॉर्मेशन इन इंडिया स्वस्थ भारत परियो, भारतीय परियोजना विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैक्सीन सुरक्षा नेट में शामिल हो गई है और जो भारत के विश्वसनीय वैक्सीन सुरक्षा जानकारी देने की अपनी प्रतिबद्धता को मौजूद करती है मतलब वही है कि इसको अपना भारत में भी इसकी पहल शुरू कर दी गई है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इनिशिएट कर दिया प्रोग्राम इंडिया के लिए भी ठीक है अगला देखेगा एटीनथ नंबर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इनग्रेटेड द इंडिया एनर्जी वीक ये इंपॉर्टेंट है और ये अच्छा क्वेश्चन है ठीक है इसको आपको थोड़ा सा ध्यान से और अच्छे से करना है इंडिया एनर्जी वीक 2024 इन विच स्टेट भारत के प्रधानमंत्री ने किस राज्य में भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का उद्घाटन किया और मुझे जहां तक लगता है आप लोगों ने इस बारे में पढ़ा होगा न्यूज में बहुत आया था ये तो गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश या गोवा फटा फटाफट से मुझे बताओ कौन से स्टेट में ये आपका इंडिया एनर्जी वीक जो है इसका इनोग्रेशन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किया है ठीक है एटीन नंबर का है आपको बताना है इंडिया एनर्जी वीक 2024 क्वेश्चन नंबर एटींथ आपका जल्दी से बताएंगे क्या किसी को पता है इसका सही जवाब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इनोग्रेटेड द इंडिया एनर्जी वीक एटीन का भी आयशा जी एटींथ का आप भी बोल रहे दैट इज राजस्थान ओके बाकी लोग भी बताएंगे एटीन का दी राम बिलास द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी गोवा याद रखना इंडिया एनर्जी वीक 2024 आपको सीधा याद क्या रखना है गोवा याद रखना है इंडिया एनर्जी वीक के साथ में आपको याद रखना है गोवा को बिल्कुल भूलना नहीं है गोवा को ठीक है अगला देखो प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी लॉन्च इंडिया एनर्जी वीक इन गोवा हाईलाइटिंग इंडिया डेडिकेशन टू सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट इन द एनर्जी सेक्टर एनर्जी वीक है तो एनर्जी सेक्टर में भारत का कितना इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ पे किस किस तरह से हुआ है इस चीजों को पूरा यहाँ पर उन फीचर्स को क्या किया हाईलाइट किया गया कि इतना इतने एनर्जी सेक्टर्स हैं वहां पर इंडिया का क्या क्या इन्वेस्टमेंट रहा है तो आपका इंडिया एनर्जी वीक 2024 ट्वेंटी कहाँ पर हुआ है 2024 का गोवा के अंदर किसने लॉन्च किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने तो ये आपको याद रखना है ठीक है इंपॉर्टेंट है मैं बोल रही हूँ इसको याद करके जाना अभी याद कर लो क्या याद करना है गोवा एक वर्ड याद करना है छोटा सा ठीक है नाइनटीन नंबर देखो Who has been appointed as the new Prime Minister of Kazakhstan? ठीक है ये आपका फिर से एक वर्ल्ड लेवल का आ गया क्वेश्चन <coughs> तो कजाकिस्तान uh, जो है आपके वहां के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है नाइनटीन नंबर का क्वेश्चन है चार आपके पास ऑप्शन हैं इनको पढ़ो बैक इन, बैक वैसे कहेंगे कि हम अपने इंडिया के सीएम और उनको याद रख ले वो भी बड़ी बात है लेकिन ठीक है जैसे अगर एग्जाम से पहले ऐसे बड़े चेंजेस हो जाए ना तो उनको पढ़ के जाया करो दैट्स ऑल है ना बाकी फिर पढ़ो या मत पढ़ो कोई दिक्कत नहीं अगला देखो असलन मुसिन या आरकेरिस्टनोव क्यों कौन हो जाएंगे नए प्रधानमंत्री बनाए गए आपके कजाकिस्तान के चलिए जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर है आपका नाइनटीन और नाइनटींथ का क्या हो जाएगा बताइए 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 नाइनटीन्थ का आपको क्या लगता है सी आर्यन जी ओके एक आ गया है मेरे पास में बाकी लोग भी बताएंगे क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका रामबिलाष जी भी सी के साथ जा रहे हैं ओके okay. करेक्ट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ठीक है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ओल्जास बैक्टिनोव ठीक है ये आपके नए प्रधानमंत्री बने कजाकिस्तान के तो याद रख लेना ओबी करके याद कर सकते हो कजा, कजाकिस्तान के ओबी अगला देखो नंबर ज़िरकॉन मिसाइल ज़िरकॉन मिसाइल जो है आपकी अ सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल ये क्या है एक सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है रिसेंटली लॉन्च बाय विच कंट्री एक कंट्री है आपकी रशिया इसराइल यूक्रेन और चाइना इन चारों में से किसने इस मिसाइल को लॉन्च किया है मिसाइल का नाम याद रखो जिरकॉन मिसाइल ठीक है ये भी एक वर्ल्ड लेवल का क्वेश्चन हो गया आपके वर्ल्ड करंट अफेयर का ठीक है वर्ल्ड इवेंट जो है जिरकॉन मिसाइल है और ये क्या एक सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है मतलब सुपरसोनिक आपके साउंड से रिलेट करती है बहुत ही ज्यादा तेज आवाज करने वाली ठीक है बैलिस्टिक मिसाइल है ये आपकी और ये किस कंट्री ने लॉन्च की है रशिया ने की है इसराइल ने यूक्रेन ने या चाइना ने ये आपको यहां पर बताना है ओके देखो क्या बात है राम जी का फटाफट आंसर यहाँ पर आया है उसी के साथ में आर्यन जी का भी आ गया है क्वेश्चन नंबर है आपका ट्वेंटी और देख लेते हैं क्या सही जवाब आप लोग दे रहे ओके बिल्कुल सही है रशिया ही आपका सही जवाब है और एकदम सही आप लोगों ने यहाँ पर चूज किया है जिरकॉन मिसाइल किसने लॉन्च की है रशिया ने लॉन्च की है और ये कैसी मिसाइल है एक सुपर सोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है वेरी नाइस बहुत सही अगला देखो ट्वेंटी वन बैनर घाटा राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क ये क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूं तो ये रिपीट है आपके लिए रिवाइज हो जाएगा यह ठीक है बैनर घाटा नेशनल पार्क बी रिसेंटली सीन इन द न्यूज लोकेटेड इन विच स्टेट कौन से स्टेट में है और आपको मैं अच्छे से करवा चुकी हूँ तमिलनाडु महाराष्ट्र कर्नाटका या गुजरात इसके पहले वाली जो दो क्लासेस है ना अगर आपने नहीं देखी है तो आप लोग देख लीजिएगा वहां पे करंट अफेयर्स के और भी जो हमने करा दिए हैं समिट्स वगैरह से रिलेटेड इंटरनेशनल नेशनल सारे ही करंट अफेयर्स हमने डील किए अब आपको बताना है बीएनपी जो है बेनर घाटा नेशनल पार्क कौन से स्टेट के अंदर है ट्वेंटी है क्वेश्चन और जल्दी से आप लोग बता देंगे इसका आंसर <laughs> शुभम तिवारी जी बड़ी देर बाद आपने जवाब दिया क्या बात है बाकी के क्यों नहीं दिए मुझे ये जानना है बाकी के आंसर्स क्यों नहीं दिए आपने कर्नाटका आप बोल रहे हैं तमिलनाडु एम तमिलनाडु के साथ है है जी सी के साथ है, देखो बिल्कुल सही जवाब है नेशनल पार्क आपका है कर्नाटका के अंदर का है बीएनपी के अंदर आपका हो जाएगा तो ट्वेंटी वन का सी बिल्कुल सही हो जाएगा प्रोटेस्ट है प्रपोजल बाय द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया टू कंस्ट्रक्ट अ सिक्स लेन एलिवेटेड हाईवे थ्रू बैंगलुरुज बैनर वो क्या चाहते हैं कि यहाँ पर एक सिक्स लेन एलिवेटेड हाईवे बनना मतलब बनाने के निर्माण करने का प्रस्ताव रखा है इस नेशनल पार्क से ठीक है इसलिए ये न्यूज में आपका आ गया था और किसने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एन अगला देखिए ये एक इंपॉर्टेंट है ठीक है ये भी आपका इंटरनेशनल लेवल का है और महमूदिया वेटलैंड जो वेटलैंड होते हैं नेशनल पार्क होते हैं इनसे रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं आपके तो महमूदिया वेटलैंड रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री किस कंट्री में लोकेटेड है हाल ही में खबरों में देखी गई महमूदिया वेटलैंड किस देश में स्थित है ये आपको बताना है तो क्या ये रोमेनिया में है नॉर्वे में है स्वीडन में है या सर्बिया में है क्वेश्चन नंबर है आपका ट्वेंटी सेकेंड और आप लोग जल्दी से इसको चूज करें और बताएंगे राइट आंसर महमूदिया वेटलैंड है कहां पर लोकेटेड है कौन से कंट्री में लोकेटेड है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेकेंड क्या चूज करना चाहेंगे आप लोग जल्दी से बताइए हम्म आने दीजिए आने दीजिए आंसर आने दीजिए महमूदिया वेटलैंड देखो ये जो क्वेश्चंस में आपको बताया जा रहा है ना जिससे महमूदिया ये वर्ड्स को इनको पकड़ लो इनको याद कर लेना प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है ठीक है क्योंकि कहीं भी अगर ये आपसे टकराए तो आपको आंसर के तरफ ले जाएंगे भागते हुए आपको सही आंसर बता देंगे क्योंकि आप पढ़ चुके होंगे तो यहाँ पे जो राइट right आंसर हो जाएगा महमूदिया वेटलैंड आपका जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही होगा ए दैट इज रोमानिया ठीक है रोमानिया के अंदर ये महमूदिया वेटलैंड जो है वो प्रेजेंट है न्यूज में क्यों आया वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड एक आपका वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है जो कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह जो भी वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड आपके रहेंगे उनको क्या फंड प्रोवाइड कराता है तो यह संस्था जो है इज अर, अर्गिंग द रोमेनियन गवर्नमेंट टू डेजिग्नेट महमूदिया वेटलैंड एज अ नेशनल इंटरेस्ट इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन एरिया ठीक है फॉर कंजर्वेशन विश्व वन्य जीव कोष रोमानिया सरकार के संरक्षण के लिए महमूदिया आर्द्र भूमि को राष्ट्रीय हित पारिस्थितिक की बहाली क्षेत्र के रूप में नामित करने का आग्रह कर रहा है वो बोल रहा है कि इसको बना दो आप राष्ट्रीय हित पारिस्थितिक बहाली क्षेत्र बना दीजिए ठीक है तो ये याद रख लीजिएगा कहां पर है रोमानिया के अंदर ये हो जाएगा महमूदिया वेटलैंड आपको याद रखना है अगला देख लो हु इज द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ फिट इंडिया मूवमेंट ये अच्छा है क्वेश्चन आपके आ, एक प्लेयर स्पोर्ट्स प्लेयर कह सकती हूं मैं ठीक है स्पोर्ट्स प्लेयर कहेंगे या फिर नरेंद्र कुमार यादव देखो चार ऑप्शन है हाँ, नीरज चोपड़ा है नरेंद्र कुमार यादव है जोगिंदर शर्मा है और आपके सुनील कुमार है क्वेश्चन नंबर है ट्वेंटी थर्ड क्या चूज करना चाहोगे क्या हो जाएगा इसका सही जवाब जिनको फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में बनाया गया है नीरज चोपड़ा नरेंद्र कुमार यादव जोगिंदर शर्मा या सुनील कुमार ट्वेंटी थर्ड का आप लोग बताएं आंसर तो जिन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है किसका फिट इंडिया मूवमेंट का ये याद रखिएगा। ब्रांड एम्बेसडर्स में बहुत सारे करा चुकी हूं ब्रांड एम्बेसडर में आपका ये क्वेश्चन भी आ गया वो वन लाइनर्स जब मैंने कराए ना उसके अंदर ये करा चुकी मैं तो देखो नरेंद्र कुमार यादव आप देख रहे हो यहां पे बी ऑप्शन यहां बिल्कुल सही हो जाएगा दैट इज ट्वेंटी थ्री नरेंद्र कुमार यादव ठीक है।, है, है नरेंद्र कुमार यादव आपके फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं ओके अगला देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड आईआरएस ऑफिसर ये कौन है आईआरएस ऑफिसर है नरेंद्र कुमार यादव एज द ब्रांड एम्बेसिडर फॉर द फिट इंडिया मूवमेंट ठीक है आईआरएस ऑफिसर को बनाया गया है फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर अगला सवाल आपके सामने है ट्वेंटी विच वॉज सॉरी वेयर वॉज द सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट टेस्टिंग फॉर स्पोर्ट्स पर्सन इनॉग्रेटेड खिलाड़ियों के लिए पोषण पूरक परीक्षण उनमें यह देखना कि ये फिट है कि नहीं है या इनमें कोई कमी है सप्लीमेंट्स की कोई कमी आ रही है क्या ये सब टेस्ट के लिए तो क्या करा गया है एक केंद्र खोला गया है उत्कृष्टता केंद्र सी एन एस टी एस ठीक है यह आप देख रहे हो शॉर्ट फॉर्म में थी एनएसटीएस एन एस टी एस इसका उद्घाटन हाल ही में किया गया था कहां पे जयपुर गांधीनगर भोपाल या न्यू डेली ट्वेंटी फोर्थ का क्या सही आंसर आपको लगता है क्वेश्चन नंबर है आपका ट्वेंटी फोर्थ चूज कर लीजिए ट्वेंटी फोर का डी न्यू डेली ओके बाकी सब लोगों के भी आने दीजिए क्या हो जाएगा सही आंसर ट्वेंटी फोर्थ का डी ओके okay, तुलसी जी हम्म hmm. देखिए वर्ड याद रखिएगा जो आपके uh, टेस्टिंग एजेंसी कौन सी है सी ओ ई एन एस टी एस दैट इज एक्स सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स टेस्टिंग फॉर स्पोर्ट्स पर्सन स्पोर्ट्स पर्सन के लिए है ये टेस्टिंग के लिए सी चलिए तो यहाँ पे सही जवाब आपका गांधीनगर होगा ठीक है क्या हो जाएगा गांधीनगर गांधीनगर में ये इसका उद्घाटन किया गया है इंडिया हैज इट्स फर्स्ट एवर सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स टेस्टिंग फॉर स्पोर्ट्स पर्सन इसलिए इंपॉर्टेंट ज्यादा हो जाता है क्योंकि ये पहला अपने आप में एक पहली तरह का जो है एक्सीलेंस uh, uh, जो टेस्टिंग uh, एक पूरा एजेंसी बनाया गया है किसके लिए स्पोर्ट्स पर्सन के लिए भारत में पहली बार पहला ठीक है द नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी गांधीनगर गांधीनगर में और कौन सी यूनिवर्सिटी है द नेशनल फोरेंसिक द नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी ठीक है भारत ने राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय गांधीनगर में खिलाड़ियों के लिए पोषण के खुराक परीक्षण में अपने पहले उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है अगला देख लो ट्वेंटी फिफ्थ वट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ स्वाति पोर्टल रिसेंटली सीन इन द न्यूज एक पोर्टल है सबसे पहले हमने शुरुआती पोर्टल से की थी ठीक है तो यहाँ पर भी एक पोर्टल है जिसका नाम है क्या स्वाति स्वाति पोर्टल तो ये क्या है ये आपको बताना है इसका पहला उद्देश्य क्या है क्रिएटिंग अ सिंगल ऑनलाइन पोर्टल रिप्रेजेंटिंग इंडियन वुमेन एंड गर्ल्स इन स्टेम मतलब कि एक पोर्टल बना दिया ऑनलाइन जो कि इंडियन वुमेन और गर्ल्स के लिए है डेडिकेटेड पूरा टू डेवलप अ न्यू टेक्नोलॉजी फॉर वुमेन इन साइंस साइंस फील्ड के अंदर महिलाओं के लिए कोई नया टेक्नोलॉजी डेवलप की है या टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू वुमेन एंटरप्रेन्योर्स जितने भी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स है उनको फाइनेंशियल सपोर्ट को प्रोवाइड करवाने के लिए स्वाति बनाया गया है या इंप्रूविंग द लाइफ ऑफ सीनियर सिटीजन जो सीनियर सिटीजन है उनके

स्वाति पोर्टल तो आपको यहां पर सिर्फ और स्वाति का क्या करना है फुल फॉर्म याद रखना है क्या याद रखना है स्वाति का फुल फॉर्म याद रखना है बाकी सारी चीजें इतना याद करने की जरूरत आपको नहीं है तो ये क्या है साइंस फॉर विमेन और टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन क्या हो जाएगा टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन अब देखो यहां पर नेक्स्ट लास्ट के फाइव क्वेश्चन है ठीक है इनको जल्दी से डील कर लेते हैं लास्ट के आपके रह गए गुप्तेश्वर फॉरेस्ट रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद स्टेट हाल ही में खबरों में देखा गया एक गुप्तेश्वर वन है आपका गुप्तेश्वर फॉरेस्ट किस आपके सॉरी स्टेट के अंदर आ जाता है ये आपको बताना है कर्नाटका उड़ीसा केरला उत्तर प्रदेश गुप्तेश्वर फॉरेस्ट अगर आपने सुना है तो अगर ये आपके स्टेट से है तो आपको अच्छे से पता होगा अच्छा ये आगे चला गया ये लो ट्वेंटी सिक्स नंबर <coughs> तो ये गुप्तेश्वर फॉरेस्ट जो आपका न्यूज में हाल ही में देखा गया है ये उड़ीसा स्टेट से है कहाँ पर है उड़ीसा में है ट्वेंटी सिक्स का हो जाएगा बी उड़ीसा <coughs> उड़ीसा गवर्नमेंट डिजिग्नेट गुप्तेश्वर फॉरेस्ट इन कोरापुर डिस्ट्रिक्ट एज ए फोर्थ बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट आर रिकोगनाइजिंग इट्स यूनिक एंड इकोलॉजिकल फ्रेजाइल इकोसिस्टम एडि� ओडिशा सरकार ने कोरापुट जिले में ये है ओडिशा के कोरापुट जिले में है गुप्तेश्वर वन को अपनी अद्वितीय पारिस्थितिक रूप से नाजुक परिस्थिति को मान्यता देते हुए अपने चौथे जैव विविध विरासत स्थल में नामित किया है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको सिर्फ इतना याद रखना जो गुप्तेश्वर फॉरेस्ट है उसको क्या करा गया है फोर्थ डायवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया उन्होंने सरकार ने इसमें नाम इसको दे दिया है नामित कर दिया गया है अगला देखिए ट्वेंटी सेवन हो हब्बा ठीक है होरी हब्बा इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट ये होरी हब्बा पहले तो है क्या ठीक है इसको हम देख लेंगे लेकिन ये किस स्टेट से जुड़ा हुआ है कर्नाटका केरला मणिपुर राजस्थान होरी हब्बा तो ए बी सी डी इनमें से जो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कर्नाटका से जुड़ा हुआ है क्या होरी हब्बा तो कैजुअल्टीज ड्यूरिंग होरी हब्बा अबुल टे, अबुल टेमिंग स्पोर्ट इन कर्नाटका है, है, कर्नाटका में बैलों को काबू में करने के खेल होरी हब्बा के दौरान क्या हो गया हतो हतो हताहतों की संख्या पशु और मानव सुरक्षा पर चिंता पैदा करती है बुल जो बुल होते हैं आपके बैल होते हैं उनको काबू करना होता है ना एक ऐसा गेम होता है स्पोर्ट अगर आपने कभी देखा हो न्यूज वगैरह में तो वो क्या करते हैं एक एक आदमी होता है जो कि बहुत खतरनाक जो बुल्स होते हैं उनको कंट्रोल करता है तो ये एक एनिमल की भी सेफ्टी और जो ह्यूमन बींग भी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए क्या हुआ था तो कैजुअलिटी ना हो इस पर बहुत ही ज्यादा फोकस किया जा रहा है इसलिए होरी हब्बा जो है ये रिलेटेड है किससे कर्नाटका से ये आपको याद रखना है ठीक है अगला देखेंगे आर्क्योलॉजिकल आर्क्योलॉजिस्ट रिसेंटली डिस्कवर्ड एन एथ सेंचुरी कोटरावाइज कल्चर एक और चीज बताऊं अभी हाल ही में ना इतनी खोज हुई है कहीं आपको स्कल्पचर्स मिल रहे हैं ठीक है इस तरह के और कहीं पे आप मूर्तिकला हो गई कहीं पे आपको बहुत सारे ऐसे आर्किटेक्चर मिल रहे हैं कहीं पुराने बर्तन मिल रहे हैं बहुत ज़्यादा खोज की जा रही है ये याद रखिएगा तो पुरातत्व विद्वों ने हाल ही में किस राज्य में आठवीं शताब्दी की गोत्रवाई मूर्ति कला की खोज की है गुजरात आंध्र प्रदेश तमिलनाडु या केरला ये कहाँ पर खोज की है ये आपको देखना है क्वेश्चन नंबर है आपका ट्वेंटी एथ और इसका क्या चूज करना चाहोगे आर्यन जी बी बोल रहे okay, so नहीं होगा ये तमिलनाडु होगा आपका हो जाएगा तमिलनाडु हो जाएगा कोटरा है तमिलनाडु के अंदर आर्कियोलॉजिस्ट अनअर्थ अर्थ एंड एट सेंचुरी आठवीं शताब्दी के लगभग जो है इसमें मिला है आपका कोटरावाई स्कल्चर डेटिंग बैक टू द पल्लवा पीरियड ये पीरियड कौन सा था आपके हिस्ट्री में पल्लवा पीरियड आता है नियर उलुन दुर्पै तमिलनाडु कहाँ पर है तमिलनाडु के अंदर उरन उलुन दुर्पैथ में ये इसकी खोज की गई है पल्लवा डायनेस्टी प्रोमिनेट साउथ इंडियन पावर फ्रॉम थर्ड टू नाइन्थ नॉर्दर्न तमिलनाडु लगभग नॉर्दर्न तमिलनाडु में इन्होंने रूल किया है कर्नाटक में इनका कब्जा था आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी इन्होंने राज किया है किसने पल्लवा जो रहे हैं उस टाइम के पल्लव राजवंश के जितने भी राजा वगैरह रहे हैं उन्होंने सबसे ज्यादा कहाँ पर कब्जा किया था तमिलनाडु कर्नाटक आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अगला देखिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन है विच डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड हिप्पो डे वर्ल्ड हिप्पो डे भी मनाया जाता है ठीक है पंद्रह फरवरी तेरह बारह या सोलह कब मनाया गया वर्ल्ड हिप्पो डे ये आपको बताना है ट्वेंटी नाइन्थ नंबर का है और फिफ्टींथ पैब आप याद रखेंगे डेट वर्ल्ड हिप्पो डे कब मनाया गया को ऑब्जर्व किया गया फिफ्टींथ पैब को वर्ल्ड हिप्पो डे एम टू तो रेज अवेयरनेस अबाउट द स्टेटस ऑफ एंडपो मतलब खत्म होने की लुप्त होने की आ, कगार पर है आपके हिप्पो जो है ठीक है हिपोपोटेमस जो है गेंद डे कह सकते हो विद अ पॉपुलेशन एस्टिमेटेड बिटवीन आपके एक लाख पंद्रह हजार से लेकर के एक लाख तीस हजार के बीच में ही लगभग बढ़ रहे तो इनको जागरूकता फैलाने के लिए ये आपका वर्ल्ड रिपोर्ट डे सेलिब्रेट किया जाता है पंद्रह फरवरी को लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए आज की क्लास का यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग लिफ्टेड सस्पेंशन ऑन रेसलिंग फेडरेशन ऑफ कंट्री यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने किस देश के कुश्ती महासंघ पर निलंबन हटा दिया तो कुश्ती पहले निलंबन अ, मतलब लगा हुआ था अभी क्या कर दिया हटा दिया गया है ऑस्ट्रेलिया चाइना इंडिया या वियतनाम कहां से हटा दिया है कुश्ती के ऊपर से तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारत पे ठीक है हो जाएगा भारत पे से तो यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड रेसलिंग लिफ्टेड द सस्पेंशन ऑफ ऑन द रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया इन्होंने यहाँ पे सस्पेंशन क्या कर दिया है वापस ले लिया है लिफ्ट कर लिया है अब देखो जिसकी हम बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट चीज आप लोगों के लिए है इसको थोड़ा सा देख लो क्योंकि ऑफर के भी कुछ लास्ट दिन बचे हुए हैं आपके और कौन कौन से बैचेज हैं क्या क्या है उनके बारे में थोड़ा सा जान लो जैसे कि न्यू बैच आपका ऑल स्टेट जुडिश्री एग्जाम्स के लिए यहाँ पर शुरू किया गया न्यू क्रिमिनल लॉज का रेगुलर बैच जो कि आपका ट्वेंटी ऑफ फैब है ना डेट देख रहे हो शुरू हो रहा है और बहुत सारी चीज़ें यहाँ आप पर आपको डील करवाई जाएंगी लिंकिंग प्रोविजंस हो गए ठीक है डायग्रामेटिक डायग्रामेटिक नोट्स हो गए कौन करवाएंगे हमारे तनसुख सर ठीक है तीन महीने का ये कोर्स है तो आप इसको एनरोल कर सकते हो ठीक है इसी के साथ में हरियाणा जुडिशरी इसके पाँच लाइव सेशन होने वाले फ्री लाइव सेशन तो और कुछ तो निकल गए अगर आपने देखे हो तो यहाँ पे बाकी के आने वाले देख लो यहाँ पर पार्टनरशिप एक्ट हरियाणा अर्बन एक्ट और पंजाब कोर्ट एक्ट ठीक है तनसुख सर ठीक आपको पूरा डील करवा रहे बहुत अच्छे तरह शानदार तरीके से अन अकेडमी पर साढ़े आठ बजे लिंकिंग लॉस के यूट्यूब चैनल पे आपके सात बजे ये क्लासेस रहती हैं ठीक है थीके? आपके फ्री लाइव सेशंस से, हैं तो इनको देखना तो बिल्कुल भी मत भूलना आप लोग और कोई भी आप सब्सक्राइब करना चाहते हो ठीक है अगर आप इसका सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो प्रोसेस बहुत ईजी है अकेडमी ऐप को डाउनलोड करो अन अकेडमी को जुडिश्री एग्जाम्स को सेलेक्ट करेंगे एंड देन सब्सक्रिप्शन स्टोर पर जाएंगे बैच सेलेक्ट करेंगे एजुकेटर रेफरल कोड डालकर लर्निंग को स्टार्ट कर देंगे हेलो दया निधि जी आई एम गुड आप कैसी है वेरी गुड इवनिंग टू यू और देखो ऑफर को एक्सटेंड किया गया है क्यों क्योंकि आप लोग जो है बहुत ज्यादा इसमें इंटरेस्ट ले रहे हो लेकिन जो बच्चे या फिर जो भी इसमें सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं अभी आपके पास बहुत अच्छा मौका है 50 परसेंट फिफ्टी परसेंट ऑफ चल रहा है आपके सारे ही जुडिशरी सब्सक्रिप्शन के ऊपर ठीक है और बारह महीने का फ्री एक्सटेंशन आपको यहाँ पे मिल रहा है मतलब बारह महीने तक आपको कोई फीस नहीं भरनी पड़ेगी उसी फीस में आप क्या कर सकते हो आपको एक्सटेंशन मिल रहा है जैसे कि बारह महीने अगर आप बारह महीने का कोई भी ड्यूरेशन का सब्सक्राइब करते हो तीन महीने आपको मिलने वाला है फ्री और ऑफर का प्राइस बहुत ही ज्यादा डाउन हो गया है पहले से ही आपको पचास परसेंट ऑफ मिल रहा है उसके बाद में अगर आप अठारह महीने का लेते हो तो छह महीने का मिलेगा आपको फ्री ठीक है आगे का सब्सक्रिप्शन चौबीस महीने का लेते हो बारह महीने का मिलेगा और वैलिड कहां तक है ओनली ओनली कि 29 तारीख तक ऑफर वैलिड है तो जल्दी से इसको यूज करो लिंकिंग जो है आप यहां पर कोड डालें और इस सब इस ऑफर का पूरा पूरा फायदा आप लोग उठा ले पचास परसेंट ऑफ आपका चल रहा है ठीक है और ये तो मैंने आपका बता ही दिया था तीन महीने का ये कोर्स है जो रनिंग बैचेज है जज मेकर का है एक आपका ठीक है रणभूमि जुडिशरी का है और रेगुलर कॉम्प्रिहेंसिव बैच है जो आपका शुरू हो चुका है पच्चीस तारीख से फिर बात करें सब्सक्रिप्शन अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो बहुत सारे फीचर्स भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं ठीक है तो अलग अलग फीचर्स आपको यहाँ पे नोट्स हो गए रिकॉर्डेड क्लासेस हो गई वीडियोस आप वापस भी देख सकते हो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी इसी तरह से यहाँ पर कुछ स्कैनर्स हैं यूट्यूब चैनल जो अन अकेडमी के हैं ठीक है थीके? उनके स्कैनर्स भी हैं आप सीधा इनको स्कैन करके विजिट कर सकते हो नए चैनल पर अपनी तैयारी को बहुत अच्छी तरह से स्ट्रॉन्ग करिए और जो भी आने वाले एग्जाम्स हैं उसके लिए आपको पहले से ऑल द वेरी बेस्ट अच्छे से एग्जाम दो और यहाँ पे कहीं पे अपना फोटो जो है वो छपवा लीजिए ये सारे सिलेक्शन हुए हुए हैं और सारे स्टूडेंट्स हैं इसी के साथ में जल्दी मिलेंगे हम लोग और अभी आपका आठ बज के पांच मिनट पे आठ बज के पांच मिनट पे आपकी स्पेशल क्लास होने वाली है जिसमें हरियाणा का लोकल जी के हम डील कर रहे हैं ठीक है तो आप लोग मोस्ट इनवाइटेड हो जल्दी से आ जाइएगा इसी के साथ में जल्दी मिलेंगे हैव अ नाइस इवनिंग टेक केयर बाय